गुड मॉर्निंग क्लास, हाउ आर यू? आई होप आप घर पर सही होंगे। लास्ट क्लास में हमने फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर देख लिया था। हमने देखा था थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आईसीज, इंटीग्रेटेड सर्किट इंट्रोड्यूस हो चुके थे, ठीक है। आज हम बात करते हैं हम फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की। हमारी कंप्यूटर की कितनी जनरेशन है? पांच। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हम कर चुके हैं, लास्ट की टू, फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन हम आज करेंगे, ठीक है। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हमारी 1972 से 2010, इसका मतलब 10 साल पहले तक कौन सी जनरेशन थी हमारी कंप्यूटर की? फोर्थ जनरेशन। कंप्यूटर की फोर्थ जनरेशन में हमारे इंटीग्रेटेड सर्किट की जगह माइक्रो प्रोसेसर इंट्रोड्यूस हो चुके थे। अब बात करते हैं माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है। तो माइक्रो प्रोसेसर एक स्मॉल चिप होती है। चिप जैसे मेमोरी कार्ड, देखा है ना आपने मेमोरी कार्ड कितना छोटा सा होता है और उसमें हम कितने सॉन्ग्स, कितनी वीडियो, कितनी फाइल स्टोर कर सकते हैं। माइक्रो प्रोसेसर एक चिप होता है जिसमें कंप्यूटर की सारी प्रोसेसिंग होती है, ठीक है। माइक्रो प्रोसेस के अलावा हम VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट भी यूज करते थे फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। जो माइक्रो प्रोसेसर है उसका साइज इतना स्मॉल था कि आपकी पाम भी, हथेली भी बड़ी पड़ती थी उसमें। इजिल इतना छोटा था कि मतलब वो उसके लिए हथेली भी बहुत बड़ी थी, ठीक है। मतलब आपने देखा है चिप कितना छोटा होता है, एक फिंगर का जो आगे का हिस्सा होता है जिसे हम बोलते हैं पोरवा, उसमें तक आ जाता था वो, ठीक है। और इसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी, बहुत फास्टर स्पीड थी। इसके अलावा मैग्नेटोस एंड आईबीएम 370 सीरीज हमारी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के एग्जांपल है। अब आप जो लैब में यूज करते हैं डेस्कटॉप, पर्सनल कंप्यूटर्स, वो सारे फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में इंट्रोड्यूस हो चुके थे, ठीक है। आई रिपीट, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट रिप्लेस हो चुके थे माइक्रो प्रोसेसर से और VLSI से, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट से। माइक्रो प्रोसेसर एक स्मॉल चिप होती थी और इतनी छोटी चिप होती थी कि आपकी हथेली भी, पाम भी बड़ी पड़ती थी, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर में कंप्यूटर की सारी प्रोसेसिंग होती थी। अब बात करते हैं फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के फीचर्स और ड्रॉबैक्स की। फीचर्स ऑफ फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तो सबसे पहला फीचर है इसका हमारा मच फास्टर, बाकी जनरेशन से सबसे ज्यादा फास्टर स्पीड थी, कैलकुलेशंस को बहुत जल्दी परफॉर्म कर पाता था। सेकंड, इस टाइम में हमारा इंटरनेट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो चुका था, जनरल पीपल इंटरनेट का यूज करने लगे थे। इसके अलावा पोर्टेबल, ये इतना ज्यादा छोटा होता था कि इसे पोर्ट करना, पोर्ट मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना इजी होता था, ठीक है। तो ये पोर्टेबल था। उसके अलावा इस टाइम में C++ ये लैंग्वेजेस यूज होने लगी थी और ये लैंग्वेजेस कहलाती है हाई लेवल लैंग्वेजेस। तो फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में कंप्यूटर को डेवलप करने के लिए हाई लेवल लैंग्वेजेस का यूज होने लगा था, ठीक है। तो फीचर समझ में आए, फास्टर होता था, स्मॉलर होता था, पोर्टेबल होता था, चीपर होता था, मतलब कॉस्ट भी इसकी कम होती थी और इंटरनेट हमारा इंट्रोड्यूस हो चुका था। इसकी ड्रॉबैक थी कि माइक्रो प्रोसेसर, हम माइक्रो प्रोसेसर यूज करते थे जो कि एक हाईली सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी से प्रिपेयर किया जाता था, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए था? हाईली सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ती थी, ठीक है। समझ में आ गया फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब बात करते हैं हम फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो 2010 से प्रेजेंट और मे बी बियॉन्ड तक चलने वाली है, वो है फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। आपने आजकल के कंप्यूटर्स देखे हैं, आजकल तो रोबोट्स आ चुके हैं मार्केट में जो खुद अपना काम करते हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं। तो इस टाइम में हमारी यूएलएसआई,
अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी मार्केट में आ चुकी है। ठीक है, इसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का यूज करते हैं। और आप क्वेश्चन करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी मतलब रोबोट्स, जिसमें हम ऐसी प्रोग्रामिंग करते हैं अपने प्रोग्रामर्स के थ्रू कि उन ऐसा लगता है कि वो खुद का दिमाग यूज करके वर्क कर रहे हैं, मगर रियल में उनका खुद का ब्रेन नहीं होता। हमने आर्टिफिशियली उनके अंदर ब्रेन डाला हुआ है जिससे वो वर्क कर सके, और अभी भी फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पे डेवलपर्स काम कर रहे हैं, ये प्रॉपरली हमारी डेवलप नहीं हुई है। इसीलिए इसमें सिर्फ यहाँ मैंने दो ही पॉइंट लिखे हैं, क्योंकि अभी इस पे वर्क चल रहा है। तो इसका एग्जांपल लाइक रोबोट हो जाएगा कि रोबोट्स अभी आपने देखे हैं खुद काम कर रहे हैं। तो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटेलिजेंसी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी इसपे वर्क करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया सारी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन में हमने वैक्यूम ट्यूब का यूज किया था, सेकंड में ट्रांजिस्टर्स का यूज किया था, थर्ड में हमने इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया था, फोर्थ में हमने माइक्रो प्रोसेसर और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया था, फिफ्थ जनरेशन में हमने अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का यूज किया है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई हो सारी जनरेशंस।